विपक्ष के हो हंगामे के बीच बुधवार को लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई, तो आज राहुल गांधी की अगुवाई में विपक्ष के नेता सड़क पर मोर्चा देने लगे। विपक्षी पार्टियों ने साझा मार्च निकाला। इस मार्च में एक दर्जन से ज्यादा राजनीतिक दल शामिल हुए। इस दौरान राहुल गांधी ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाया और सदन में सांसदों के साथ बदसलूकी होने की बात कही। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि पहली बार राज्यसभा में सांसदों की पिटाई की गई, बाहर से लोगों को बुलाया गया और सांसदों के साथ धक्का मुक्की की गई। कल राज्यसभा में पहली बार इतिहास में, पहली बार इस देश की हिस्ट्री में सांसदों को मारा गया, धकेला गया, पीटा गया। नरेंद्र मोदी किसानों पर अत्याचार करते हैं, जो उनका है उनसे छीनते हैं। तो राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि सदन में हमारी बात सुनी नहीं गई, इसलिए अब हम आ गए हैं सड़क पर ये नया मार्च निकालने के लिए। हुआ हंगामा सड़क पर भी उन्होंने किया। इल्जाम लगाया कि सरकार जो है मानो जैसे मार्शल लॉ कल सरकार ने लगा दिया था। किसानों के मुद्दे की बात रखना चाहते थे, हमारी बात नहीं करने दी गई। लेकिन जो हो हंगामा विपक्ष ने किया सदन में, वो भी पूरे देश ने देखा है। रवि त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रवि, हमें मारा गया, हमसे धक्का मुक्की की गई, दूसरी ड्रेस में अंदर मार्शल्स को बुला लिया गया, राहुल गांधी जो है इस मुद्दे को सड़क तक ले जाकर के भले सदन का सत्र खत्म हो गया हो लेकिन इसे जीवित रखना चाहते हैं। विपक्ष की अगुवाई वो कर रहे हैं, वो जानते हैं इसके पीछे कोई ना कोई तो स्ट्रेटजी होगी। फिलहाल क्या चल रहा है और उसको लेकर के आगे क्या लीड है? बिल्कुल, देखिए आज उसी को लेकर बैठक चल रही है। मैं अभी राज्यसभा के जो चेयरमैन हैं वेंकैया नायडू के घर के बाहर खड़ा हूं और यहां अंदर विपक्ष के नेता भी उनसे मिलने आए हैं और सत्ता पक्ष के लोग भी मिलने आए हैं और इस मामले पर कहीं ना कहीं दोनों पक्ष अपनी बात रखेंगे उनके सामने, क्योंकि ये शिकायत करने विपक्ष के लोग आए हैं कि किस तरह से कल सांसदों के साथ धक्का मुक्की हुई, महिला सांसदों के साथ धक्का मुक्की हुई। उनका कहना है कि मार्शल बाहर से बुलाए गए थे और उन्होंने सांसदों के साथ बदतमीजी की है, उनके साथ धक्का मुक्की की है, मारपीट की है। ये आरोप कल शरद पवार ने भी लगाया था जो आज बैठक में मौजूद थे। इसके अलावा तमाम जो कांग्रेस के नेता उन्होंने आरोप लगाया था, लेकिन सरकार की तरफ से जो प्रहलाद जोशी हैं कल ही उन्होंने साफ किया था, हमने उनका इंटरव्यू भी किया था कि सारे आरोप जितने भी आरोप हैं जो भी एलिगेशन है फॉल्स हैं, इसमें कोई भी दम नहीं है और अगर जरूरत पड़ती है तो सीसीटीवी फुटेज चूंकि सीसीटीवी में सारा कुछ दर्ज होता है उसको निकाल कर देखा जा सकता है कि किस तरह का व्यवहार था वहाँ पे, किसने किसके साथ मारपीट की। क्योंकि अगर बात प्रहलाद जोशी की जाए तो प्रहलाद जोशी जो संसदीय कार्य मंत्री हैं उन्होंने कहा कि जो सांसद थे विपक्षी दल के उन्होंने कहीं ना कहीं जो मार्शल्स थे उनके साथ दुर्व्यवहार किया, उनका गला दबाया, उनको गला पकड़ के भगा रहे थे। उसके अलावा जो आपके चेयरमैन के कुर्सी की तरफ कागज फाड़ कर फेंके गए, इसके अलावा आपने जो वहाँ जो चेयरमैन के साथ जो वहाँ के अध्यक्ष होते हैं उनके साथ भी धक्का मुक्की की गई, तो तमाम सारे आरोप दोनों पक्ष की तरफ से लगाए गए। अब सवाल ये उठता है क्या इसके लिए कोई कमेटी बनाकर जाँच की जाएगी, इसकी मांग भी की जा रही है सत्ता पक्ष की तरफ से। विपक्ष भी कह रहा है कि माफ़ी मांगे सारे सांसद और वो तमाम लोग, क्योंकि वहाँ महिला सांसदों के साथ बदसलूकी हुई है, तो ये बेसिकली जांच का विषय बन गया है क्योंकि दोनों पक्ष की तरफ से आरोप और प्रत्यारोप लगाए गए हैं। और इन आरोपों में कितना दम है, देखिए आपको दिखाना चाहेंगे तस्वीर के पीछे विपक्ष के नेता आ गए हैं और अपनी बात रख रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे को आपको दिखाना चाहेंगे तस्वीरों में, देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे और आनंद शर्मा दोनों यहाँ पहुँच गए हैं और दोनों अपनी बात रखने वाले हैं। तमाम नेता यहाँ मौजूद हैं, देखिए सब पहुँच गए हैं यहाँ पर और यहाँ बैठ कर ये लोग बात रखेंगे। आनंद शर्मा हैं यहाँ पे, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं दिखाना चाहेंगे, तमाम विपक्ष के नेता यहाँ पहुँच गए हैं और वो लोग बात कर, नहीं वो नहीं कर रहा हूँ मैं, आपसे नहीं बात कर रहा हूँ, आपसे खड़ा हूँ मैं। देखिए तमाम नेता हैं और ये लोग बातचीत करेंगे यहाँ, क्या लोग कहने वाले हैं ये लोग। मैं आप देखिए आप थोड़ा शांत रहे तो हम बोल सकते हैं। थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाएं सब, प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट एवरीबॉडी एवरीबॉडी, यहाँ माइक छोड़िए, यहाँ माइक छोड़िए, यहाँ माइक छोड़िए, यहाँ माइक छोड़िए, नीचे रख लीजिए माइक, माइक कर रहा है, माइक इधर, चलो 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 अभी छोड़ो, इधर इधर ऑडियो है, अब पीछे हो जाइए, आप थोड़ा थोड़ा पीछे, एक एक फुट, एक एक फुट पीछे, कुंदीप बाहर आ जाइए, कुंदीप बाहर निकलो।
तो देखा आपने कि जिस तरह से ये विपक्ष के तमाम नेता हैं आए हैं और ये लोग अभी अपनी बात रखने वाले हैं कि इन्होंने आखिर क्या क्या बातें राज्यसभा के चेयरमैन के पास रखी है, क्योंकि राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं, शरद पवार आरोप लगा रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे आरोप लगा रहे हैं, तमाम तरह के आरोप लगाए गए हैं विपक्ष की तरफ से, और उनको क्या कहा गया है अदर चेयरमैन की तरफ से, क्या कोई आश्वासन दिया गया, क्या कोई कमेटी बनाने की बात है, क्या कोई सीसीटीवी फुटेज जांच करने की मामला है, तो ये बताएंगे अभी कि आखिर क्या हुई है बात। ये क्या जांच की बात को लेकर के गए थे वेंकैया नायडू से मिलने के लिए, या फिर सरकार के खिलाफ कोई एक्शन लिया जाए, या फिर वहां पर जो है जिनके जिन महिला सांसदों के साथ जो है धक्का मुक्की की गई उनको उनको चिन्हित किया जाए, मतलब किस तरीके की मांग लेकर के गए थे? देखिए, दो तीन बातें जो मल्लिकार्जुन खड़गे शुरू में कह रहे थे आने से पहले, उन्होंने कहा था कि हम जाएंगे चेयरमैन से ये बात कहेंगे कि आपको अच्छा जो सुन लेते हैं, रवि उनका ऑडियो आना शुरू हो गया। सांसद इनका उनसे मिले और इनको हमने एक मेमोरेंडम पेश किया और उसमें ये बात सारे पार्टियों के नेताओं ने और हमारे सीनियर लीडर शरद पवार जी ने भी हम सभी ने मिलकर जो सदन में घटनाएं घटी उसके बारे में उनको सविस्तार से बताया, क्योंकि उनको जो मालूमत मिलती है या जो भी इंफॉर्मेशन मिलता है वो तो एक साइड नहीं होना, तो इस वजह से हमने खुद मेमोरेंडम लेकर सभी लोग पहुँचे। हम धन्यवाद करते हैं राष्ट्रपति का कि उन्होंने समय दिया, हमारी बात सुनी, लेकिन उसमें यही बात हमने कही है कि सरकार ने जितने बिल गड़बड़ी में हाउस ऑर्डर में न रहते हुए भी पास कर लिया, हर 10 मिनट को एक बिल पास हो गया और किसी को बोलने का मौका नहीं मिला, और उन कानूनों में क्या कमियां हैं वो बताने के लिए भी समय दिया नहीं। उसके बाद में फिर भी हमने सरकार को कोविड इश्यू पे डिस्कशन के लिए हम पूरे साथ दिए। उसके बाद में जो रवि विपक्ष तो कंसिस्टेंट है, विपक्ष यही कह रहा है कि हमें बोलने नहीं दिया गया, जो पूरे सत्र में कहता रहा कि हंगामे की भेंट अगर कहना कि सदन चढ़ा तो वो सत्ता पक्ष की वजह से चढ़ा, हम बात रखना चाहते थे, बात सुनी नहीं गई, लेकिन सरकार की तरफ से संसदीय दल की बैठक जब होती रही तब भी हमने देखा है कि मोदी प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से और बाकी संसदीय दल की तरफ से भी क्या संदेश दिया गया कि वो जनता के सामने है कि हंगामा कौन कर रहा है। अब यहां से आगे क्या रवि, आवाज आ रही है आपको? हाँ, आ रही बता रवि, मेरा सवाल ये कि विपक्ष कहीं ना कहीं उसी चीज को लेकर के कंसिस्टेंट है कि हमें बोलने नहीं दिया गया, पूरा सत्र हंगामेदार इसलिए रहा क्योंकि सत्ता पक्ष नहीं चाहता था कि सत्र चले, चर्चा नहीं हुई, बिल जो है बिना डिस्कशन के पास कर दिए गए, वही सब बातें जो है उन्होंने मेमोरेंडम में उपराष्ट्रपति को दी है, यहां से आगे क्या? बिल्कुल, देखिए अभी तक जो बात निकल के आ रही है उसमें यही कहा जा रहा है कि चूंकि हमने सरकार का पूरा साथ दिया, सरकार ने कहा कि ओबीसी बिल पर चर्चा होनी चाहिए, ओबीसी बिल को पास कराने में हमने जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था उसमें साथ दिया, कोरोना पर चर्चा की बात हुई तो कोरोना पर चर्चा में हमने हिस्सा लिया, तो तमाम तरह से हमने सरकार का सहयोग किया, लेकिन सरकार ने हमारी बात नहीं मानी। उनका कहना है कि सरकार से जो हम चर्चा मांग रहे थे पेगासस के इशू पर, तमाम और इशू पर सरकार ने हमारी बात नहीं मानी, इस वजह से हम अपनी नाराजगी दर्ज कराने आए थे। और इसके अलावा जो दूसरा सबसे बड़ा मामला है, जिस तरह से संसद में आप देखिए राज्यसभा में खासतौर पर पिछले 2-3 दिन में जिससे घटनाएं हुई है, जिस तरह से रिपोर्टर्स टेबल पर चढ़कर फाइल फेंकने की घटना आई है, उसके अलावा धक्का मुक्की करने की घटना आ रही है, कागज फाड़कर फेंकने की घटना आ रही है, वेंकैया नायडू जो चेयरमैन है उनके भावुक होने की घटना आ रही है, तो कहीं ना कहीं ये घटनाएं पहली बार संसद के इतिहास में और राज्यसभा के इतिहास में पहली बार हुआ है कि एक चेयरमैन बेबस नजर आ रहे हैं, हाउस नहीं चल पा रहा है, और जिस तरह से घटनाएं हो रही है उसको लेकर उनको तकलीफ हो रहा है, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है, तमाम नेता जो है निकल के यहां से जा भी रहे हैं, तो अभी अगर निकलते हैं और वही आरोप
देखिए जो आरोप जो पहले से लगाए गए थे कि कल जिस तरह से धक्का मुई की महिला सांसदों के साथ, उस पर माफ़ी मांगी जाए, कौन माफ़ी मांगे ये सवाल ये किया जाएगा, किससे माफ़ी मांगने की बात कर रहे हैं, क्या जो सिक्योरिटी के लोग थे जो मार्शल्स बुलाए गए थे वो माफ़ी मांगे या बीजेपी के मंत्री माफ़ी मांगे ये आरोप, क्योंकि इसके बाद बीजेपी के मंत्रियों की मुलाकात है विपक्ष के नेताओं के बाद, बीजेपी के जो मंत्री हैं चाहे राज्यसभा में जो नेता हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं, वो यहाँ चेयरमैन से बातचीत करेंगे, तो दोनों पक्ष की बात और रखने के बाद क्या बीजेपी ने कल मांग की थी कि एक कमेटी बनाई जाए, कमेटी बनाकर जो सांसद जिन्होंने हंगामा किया है, जिन्होंने मारपीट की है, जिन्होंने मार्शल का गला दबाया है, जो कहीं ना कहीं धक्का मुक्की की है खासतौर पे अधिकारियों के साथ, उनके खिलाफ कार्रवाई और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। तो दोनों पक्षों की तरफ से एक तरफ माफ़ी की मांग की जा रही है, एक तरफ कार्रवाई की मांग की जा रही है, तो आखिर ये डिसीजन चेयरमैन को लेना है, लेकिन फिलहाल विपक्ष के नेता एकजुट हैं और इस मुद्दे को छोड़ नहीं रहे हैं कि उनके साथ अन्याय हुआ है, उनको बोलने नहीं दिया गया है, वो बोलने देना चाहते थे क्योंकि संसद में चर्चा की बात थी कि कोरोना पर चर्चा होगी, किसानों के मुद्दे पर चर्चा होगी, महंगाई के मुद्दे पर चर्चा होगी, लेकिन किसी मुद्दे पर चर्चा नहीं हुई, सिर्फ और सिर्फ कोरोना के मुद्दे पर। आपको याद होगी 5 घंटे की चर्चा राज्यसभा में हुई, लोकसभा में वो भी चर्चा नहीं हो पाई थी, उसके अलावा सदन में हंगामा हुआ, जो नहीं देखना चाहिए वो देखने वाली घटनाएं हुई, मारपीट की बात भी आ रही है, धक्का मुक्की की बात आ रही, तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन आरोपों की सच्चाई ये है कि सब फुटेज होता है। ये विपक्ष कहीं ना कहीं इस बात को कभी नहीं एड्रेस करता, ना उसने कल किया, नुकसान तो आम आदमी का हुआ, आम आदमी की टैक्स पेयर्स मनी का हुआ, और जिस तरीके से पूरा ये सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया, और अब सदन खत्म होने के बाद भी, सत्र खत्म होने के बाद भी विपक्ष इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहता है, उसे मालूम है कि इस तरह की विरोध की राजनीति कहीं ना कहीं फिलहाल उसकी राजनीति को, उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी को सूट करती है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। राहुल गांधी ने कहा है कि संसद में लोकतंत्र की हत्या हुई है। वाइस चेयरमैन को दुख हो रहा है, चेयरमैन की क्या जिम्मेदारी है? चेयरमैन की जिम्मेदारी हाउस को चलाने की है। चेयरमैन ने हाउस को पिछले दिनों में क्यों नहीं चलाया? स्पीकर ने क्यों नहीं चलाया? जो विपक्ष के दिल में बात है वो हम क्यों नहीं रख सकते हैं? हाउस में कौन किस प्रकार से विपक्ष को रोक रहा है? हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री भाइयों और बहनों, युवाओं, जो आप घर में बंद हो आज, जो आपके फोन में पेगासस है, आप सुनिए, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री इस देश को बेचने का काम कर रहा है। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री 2-3 उद्योगपतियों को हिंदुस्तान की आत्मा बेच रहा है। एक बात तो स्पष्ट है, सदन के अंदर जिस प्रकार संसद को सड़क बनाने की चेष्टा की गई, जिस प्रकार अराजकता संसद के अंदर इन ऑपोजिशन पार्टीज ने और खास करके राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने दिखाया है, पूरा देश शर्मसार हुआ है, लोकतंत्र शर्मसार हुआ है। केवल आदरणीय वेंकैया नायडू जी नहीं रोए हैं, मैं तो कहूंगा लोकतंत्र का हनन हुआ है और लोकतंत्र रोई है, और यही नतीजा है। इन्होंने जो संसद को सड़क बनाया, यही नतीजा है कि आज देश की जनता राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को सड़क पर छोड़ के आई है। वो इसके जवाब में क्या कहना अधीर रंजन चौधरी का, ये वो भी सुनते हैं। ये सदन सदन है, ये बीजेपी पार्टी की पार्टी ऑफिस नहीं है, ये सरकार को सोचना चाहिए, लेकिन वो पार्टी ऑफिस की तरह चलाते हैं ये सदन, यही तो दुख की बात है। हम सारे मुद्दे पे चर्चा करना चाहते थे, सारे मोदी सरकार के पास जितने मुद्दे है सब पे चर्चा करना चाहते थे हम, किसान के मुद्दे, महंगाई के मुद्दे, कोविड के मुद्दे, सब मुद्दे में चर्चा करने के लिए बार बार गुहार लगाई, लेकिन शुरू में हम लोग कहा कि पेगासस कांड हमारे देश की सुरक्षा की मसला है, और ये पेगासस जासूसी कांड को सामने रखते हुए सदन की चर्चा शुरू किया जाए, बस एक ही तो मांग था। 1-2 घंटा लगते एक चर्चा करने में, लेकिन सरकार भागते रहे। हिंसा का हंगामा और डिस्ट्रक्टिव ड्रामा दिखाई पड़ा, वो अपने आप में एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और कांग्रेस पार्टी और उनके कुछ और विपक्षी लोग तो शुरू से ही कह रहे थे कि हम संसद के सत्र को वॉश आउट करेंगे, और हम संसद के सत्र को वॉश आउट करने के लिए वॉशिंग मशीन लेके आए हैं। और जब आप संसद के सत्र को वॉश आउट करने की वॉशिंग मशीन लेकर आए हो, तो आपका इसी तरह का हिंसक हंगामा और डिस्ट्रक्टिव ड्रामा दिखाई पड़ेगा। आज जो है वो हमारा देश आजादी के 75वें वर्षगांठ अमृत महोत्सव मना रहा है। क्या आप संदेश देना चाहते हैं? देश दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हिंदुस्तान भारत में, जो भारत की संसदीय परंपरा, संसदीय व्यवस्था, संसदीय गरिमा है, उससे दुनिया के तमाम लोकतांत्रिक देश प्रेरणा लेते हैं।
और आप जो है वो केवल सरकार को संसद को ही नहीं बदनाम कर रहे हैं बल्कि पूरे देश को बदनाम करने की षड्यंत्र साजिशें कर रहे हैं। सभा में कल हुए हंगामे का एक नया वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में चेयरमैन की सीट के सामने कई सांसद और मार्शल आमने सामने हैं। ये देखिए एक नया वीडियो सामने आया है जहां चेयरमैन की सीट के सामने सांसद हैं और मार्शल सामने हैं। ये देखिए वहां भी पर्चे फाड़े जा रहे हैं, उड़ाए जा रहे हैं। अब विपक्ष इल्जाम लगा रहा था कि मार्शल्स बुलाए गए, मार्शल से धक्का मुक्की करवाई गई। अब इस वीडियो में नजर आ रहा है मार्शल्स खड़े हुए हैं लेकिन सांसद वेल में है और उन्हें रोकने की कोशिश जरूर की जा रही है। देखिए मार्शल्स खड़े हैं, उन्हें रोकने की कोशिश। रविंद्र इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। रविंद्र, ये वीडियो तो दिखाता है कि मार्शल्स खड़े हुए हैं लेकिन विपक्ष के सांसद इधर भी हैं वेल में, उधर भी हैं और मार्शल्स उन्हें रोक रहे हैं लेकिन ये फिर भी पर्ची फेंक रहे हैं या फिर कुछ पर्चे फाड़ रहे हैं। बिल्कुल सचिन, आप देख दो दिन पहले का जो वीडियो आपने देखा था कि कांग्रेस के एक सांसद टेबल पर चढ़ गए थे और वहाँ रूल बुक थे और जितने किताब थे उसे फेंक रहे थे आसन की तरफ। और कल जब मार्शल को बुलाया गया था इसलिए कि वहाँ पर हंगामा किया जा रहा था, पेपर फेंके जा रहे थे। मार्शल देखिए किसी के साथ धक्का मुक्की नहीं करता, मार्शल पूरे आसन को चेयर को चारों तरफ से राउंड अप करके खड़े रहते हैं और उसमें बावजूद वो आपने वीडियो में दिखाया सबको कि वहाँ पर खड़े हैं लेकिन जो विपक्ष के सांसद हैं उनसे धक्का मुक्की कर रहे हैं। और यहाँ तक कि एक मार्शल जो महिला मार्शल है उनके साथ महिला जो एक सांसद रही हैं एक पार्टी की हैं उन्होंने उनको घसीटते हुए आगे तक ले गई हैं, उनके साथ जोर जबरदस्ती भी कर रही हैं, ये वीडियो में साफ दिख रहा है। तो मार्शल केवल प्रोटेक्ट करते हैं आसन को और वहाँ पर की जो प्रोसीडिंग है उसको प्रोटेक्ट करते हैं, वो किसी से धक्का मुक्की नहीं करते हैं जब तक कि आसन नहीं कहे, जब तक कि चेयर न कहे कि किसी पर्टिकुलर जो सांसद है उनको सदन से बाहर किया जाए। इस तरह का कोई आदेश नहीं था, वो केवल प्रोटेक्शन के लिए वहाँ खड़े थे, मैन हैंडलिंग विपक्ष द्वारा हो रहा था इस वीडियो के जरिए कह सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र फिलहाल इस बातचीत के लिए। तो कुल मिलाकर के साफ नजर आ रहा है कि किस तरीके से प्रोटेक्ट कर रहे थे बकायदा उस चेयर को, हालांकि विपक्ष कह रहा है कि नहीं उनके साथ धक्का मुक्की कर रहे थे लेकिन इस वीडियो में कुछ और नजर आ रहा है। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन Google Play एंड App Store। डाउनलोड इट नाउ।